सुन लो मेरी बात, बात बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास, संविधान को पता चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिलर टाइम्स पहुंच गया है बिहार के सीमांचल में और ये सीमांचल का ज़िला किशनगंज है। किशनगंज इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों पर है, मुल्क भर के मुसलमानों की निगाह किशनगंज पर है कि किशनगंज का फैसला क्या होगा, क्योंकि हर जगह लड़ाई दो रुखी है लेकिन किशनगंज में सहरुखी लड़ाई चल रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर अख्तरुल ईमान बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, उधर कांग्रेस भी यह इलेक्शन लड़ रही है, जेडीयू के टिकट पर महमूद अशरफ मैदान में है, तो किशनगंज कैंपी कौन होगा, किशनगंज की जनता क्या चाहती है और किसके हाथ में जाएगी किशनगंज की सीट, इसी पर आज इलेक्शन 2019 की सीरीज में हम बात करेंगे किशनगंज की आवाम से, यहाँ के लोगों से कि लोग क्या चाह रहे हैं। चचा, किशनगंज में आप अपना एमपी किसको बनाना चाह रहे हैं इस मर्तबा? अख्तरुल ईमान को। अख्तरुल ईमान को, पक्का? पक्का। आप? हम तो कांग्रेस को बनाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, इस क्षेत्र में हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ इससे पहले। तो कांग्रेस तो शुरू से यहाँ रही है, कोई काम नहीं हुआ, तो फिर आप कांग्रेस पर ही क्यों भरोसा कर रहे हैं? कांग्रेस की काम हुई है, अब काफ़ी काम हुई है, अभी हमारा कैंडिडेट अभी है नहीं है आपसे। कांग्रेस को। अख्तरुल ईमान को। कांग्रेस। अगला एमपी आप लोग किसको बनाना चाह रहे हैं, अख्तरुल ईमान को या कांग्रेस के उम्मीदवार को? भाई जो अच्छा हो उसी को बनाना चाहते हैं हम लोग। अभी तय नहीं किया कि कौन अच्छा है। हम क्या तय करेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस। हुआ ही नहीं तो हम तय हुआ ही नहीं, क्या बनाएंगे इसको? अगला एमपी कौन होगा आप लोगों का? अख्तर साहब। अख्तर साहब के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो मतलब उनकी जो पार्टी है वो बाहर से आई है, तो इसलिए अख्तर साहब की जगह लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अख्तर साहब अच्छे हैं, अच्छे हैं बस। अच्छा, ये कांग्रेस जो है वो पिछले 50-60 साल से मुल्क में हुकूमत कर रही है, इसके बावजूद किशनगंज की जो समस्या है वो हल नहीं हुई है, वही सूरत हाल है, तो फिर भी आप लोगों का कांग्रेस पर ही अब तक इतना क्यों भरोसा कायम है? मतलब आप लोग, बदलाव का ज़माना चलता है, लोग नई नई पार्टियों को लाते हैं, तो अख्तरुल ईमान यहाँ तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसको आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? तो यहाँ पर लोग हैं कह रहे हैं अख्तरुल ईमान को वोट देंगे, आपका क्या कहना भाई? अख्तरुल ईमान को ही वोट देंगे, उसके जैसा कैंडिडेट बढ़िया। अभी जो है, अभी जो है कि मतलब जो अभी चलते आ रहा था सदियों से, मतलब जिसको हम लोग मानते जा रहे थे, तो अभी है और उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, अपना सोच बूझ के कहेंगे ना, अब कौन बनेगा नहीं बनेगा। मतलब ये कहना है कि कांग्रेस पर आप जो भरोसा जता रहे हैं, तो क्यों? कांग्रेस ने मुसलमानों को बाबरी मस्जिद मुनहदिम करवाया, कांग्रेस ने फसादात करवाए इतने सारे, फिर अब भी आप पर, आपको कांग्रेस पर इतना भरोसा क्यों है? अख्तरुल ईमान साहब, अभी जो बाप है, हमारे बाप हैं, हमारे या मुल्क के बाप हैं, तो बेटा कैसे बन सकता है, बोलिए ना। बाप कौन है मतलब? कौन बाप? नहीं ये नहीं, हम ऐसे कैसे कहेंगे? नाम झगड़े नहीं, बोलने दीजिए, आप अपने बात कहिए। नाम किसका लेंगे कि कौन बाप है कौन नहीं है, वो खुद देख रहे हैं मीडिया। तो देख रहे कि यहाँ अख्तरुल ईमान के समर्थक है लेकिन कांग्रेस के भी कुछ लोग मौजूद है, यहाँ पर चाय की होटल है, देखते हैं कि चाय के होटल में लोग क्या कहते हैं। आइए जरा सा चाय की होटल में चलते हैं, चाय का, यहाँ पर चाय की होटल है, हम देखते हैं कि चाय की होटल में लोग क्या कह रहे हैं। चाय का हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा चर्चा होता है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो वजीर आजम है उनका भी दावा है कि हम पहले चाय बेचते थे, तो एक चाय पीने वाला मुल्क का वजीर आजम है, तो चाय पीने वाला मुल्क का वजीर आजम तो बन जाता है, चाय पीने वाले
अपना वजीर आजम किस को बनाएंगे, किस को एम पी बनाएंगे? अख्तरुल इमाम भाई कौन होगा अगला एम पी यहाँ का? वही अख्तरुल इमाम। मतलब आप लोग एक तरफा अख्तरुल इमाम के फेवर में है? अच्छा अख्तरुल इमाम, मतलब आप लोग क्यों कांग्रेस इतने दिनों से यहाँ रही है, कांग्रेस के एम पी थे मास राहुल हक साहब, तो आप लोग कांग्रेस को छोड़कर क्यों अख्तरुल इमाम की तरफ आ गए? कांग्रेस तो कुछ किया ही नहीं। क्या किया है कांग्रेस? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। तो आपको अख्तरुल इमाम पर विश्वास है कि काम करेंगे? कि काम करेगा वो। अच्छा वो यहाँ के बोलबाल है, अख्तरुल इमाम बोलबाल है। हम ये जानते हैं कि वोट अख्तर साहब को ही होना चाहिए, यहाँ का कैंडिडेट अख्तर साहब है। अभी आपका नाम क्या है? सनी अख्तर। हाँ तो अख्तरुल इमाम साहब एमएलए रहे कोचा धामन से, कैसे एमएलए रहे वो? अब बहुत बढ़िया, ठीक रहा, बहुत बढ़िया रहा। किसी का हल जोत के कोई नहीं दे रहा है, हमारा हल जोता नहीं है कभी। काम अच्छा किया, व्यवहार अच्छा है, बस न किसी का घोषखोरी ले रहा है न किसी को दे रहा है, बस थाना का कोई कमीशन उसके पास है न थाना में वो खुद पैसा दे रहा है न खुद ले रहा है। जब किसी से ले रहा है तो देगा कहाँ? ये बताइए आप लोग के यहाँ से तो अख्तरुल इमाम साहब जीत जाएंगे, मरकज में सरकार किसकी बननी चाहिए, एनडीए की या यूपीए की? हमको सरकार का नहीं पता, सरकार का कोई मतलब नहीं है हमको, ये बताइए। कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मेरा अख्तरुल इमाम है, रहेगा, होगा। तो यहाँ एक तरफा तौर पर लोगों का यही कहना है कि सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है, कौन पीएम बने कोई मतलब नहीं है। किशनगंज का एमपी अख्तरुल इमाम, ओनली अख्तरुल इमाम होना चाहिए। कांग्रेस से काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे हैं, कुछ एक दो समर्थक भी है तो उनको वो कह नहीं पा रहे अपनी बात, और बड़े मतलब जज्बाती हैं अख्तरुल इमाम के बारे में और लोगों की राय लेते हैं। क्या किया वो मौलवी साहब था, क्या किया वो? अच्छा उनकी वफात हो गई, मतलब पंचायत समिति है। अब तो अख्तरुल इमाम में ऐसा क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है हम लोग के हक की लड़ाई लड़ रहा है, यही उसका बेस है। आप किशनगंज का अगला एमपी कौन होगा? अगर डॉक्टर जावेद साहब को अगर सीट मिलती है, टिकट मिलती है, तो वही जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि आदमी भी अच्छा है, काम भी वो अच्छे करते हैं। अच्छा यहाँ एक बड़ा मसला वो ना, यहाँ की जो एक बिरादरी है, क्या नाम है, सुरजापुरी, उसके तो लोग कहते हैं कि जो सुरजापुरी बिरादरी कहेगा वही जीतेगा, ऐसा कुछ है लोगों का उड़ाया हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो अच्छा ईमानदार होगा वो जीतेगा, ईमानदार कैंडिडेट होगा वही जीतेगा। तो ये बताइए कि महमूद अशरफ भी है, वो भी बड़े मजबूत दावेदार हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? महमूद अशरफ नहीं, यहाँ के लोगों का सोच है बीजेपी आउट ऑफ, यहाँ लोगों का सोच है, क्योंकि बीजेपी ने नोटबंदी करके जीएसटी करके लोगों को बहुत ही परेशान करके रखा, पैकेट में 2000 रख के खुदरा नहीं मिलता था, खाना नहीं खाते थे, इसीलिए लोगों का सोच है कि यहाँ से बीजेपी आउट ऑफ। किशनगंज में तो बीजेपी है ही नहीं, किशनगंज में नहीं है, महमूद अशरफ तो वही का जेडीयू से आए हैं, तो वो तो गठबंधन में है। आपका क्या कहना है भाई? वही कहना है बस। कौन एमपी? अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम बोले थे हम एक बार। अच्छा अभी तो बोल चुके एक बार। हाँ। ये भाई से पूछते हैं कौन होगा अगला एमपी? अख्तरुल इमाम ये कह रहे हैं कांग्रेस को होंगे, कहने दीजिए उसको, सबको एक ही तरफ हो जाएगा। एक सीट से कुछ होने वाला नहीं है, बाद में अख्तरुल इमाम जीत जाएंगे, वो बोलेंगे कि मेरी सरकारी नहीं है तो मैं क्या करूँगा काम। अगर कांग्रेस की सरकार होगी, अगर कांग्रेस जीतेंगे तो कुछ तो काम होगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की जो इतने साल सरकार रही है हिंदुस्तान में, तो उसने कुछ काम किया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया। कांग्रेस पहले भी था तो क्या काम किया? कुछ नहीं किया करके। अच्छा ये देखिए सीमांचल में खला होगी, आप लोग ये बताइएगा, अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन थे तो पूरे सीमांचल गांधी कहलाते थे, सीमांचल के लीडर कहलाते थे। अब सीमांचल का जो 3-4 जिला है, यहाँ का लीडर आप लोग मुस्तकबिल का किसको देख रहे हैं, कौन होना चाहिए सीमांचल का एक बड़ा लीडर? अभी तो बोलवाला एक ही नजर आता है, अख्तरुल इमाम। तो अख्तरुल इमाम, आप लोग अख्तरुल इमाम को सिर्फ किशनगंज का नहीं बल्कि पूरे सीमांचल का लीडर बनाना चाह रहे हैं? चाचा किशनगंज में क्या चल रहा है, किसको वोट जाएगा इस मरतबा? हमको नहीं मालूम है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? नैयर आलम। तो किशनगंज की प्रॉब्लम्स क्या है जरा मुझे वो बताइए, मतलब क्या किन मुद्दों पर आप लोग वोट करना चाह रहे हैं? हाँ अभी हम लोग तो अभी से को ही देंगे ये वोट। आप तक तो कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पाया, अब तो बार बार बहुत सरकार आया, कोई कुछ नहीं कर रहा, कम से कम तो एक बार तो हम लोग अवेसी को देख लेते हैं 5 साल के लिए, वो अच्छी कैंडिडेट नज़र आ रहा है, देखने में भी लोगों का बहुत भलाव कर रहा है।
अच्छा एक बात ये बताइए कि आप लोग जो वोट डालते हैं तो क्या देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, ये देखते हैं कि एमपी कैसा है, काम किया? नहीं, दोनों तो ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कैंडिडेट भी ठीक है उसका। अच्छा एक बात और बताइए कि अख्तरुल ईमान साहब 2014 में भी जेडीयू की टिकट पर आए थे, एक बड़ी पार्टी थी, तो वो 2014 में बैठ गए थे और उन्होंने कहा था अपने स्टेटमेंट में कि हम बीजेपी को हराने के लिए वो बैठ रहे हैं ताकि बीजेपी ना जीते, चुके रहते तो वोट डिवाइड होता, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि इसका भी उनको कुछ फायदा मिलेगा कि उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए कुर्बानी दी थी? वो युवा है तो युवा एमपी को आना चाहिए। नहीं ठीक है ये बात, वोट लेके आ गया था बैठने के बावजूद भी, ये चीज हम सहमत है, वो कुर्बानी दिए थे इस चीज के बारे में, कुर्बानी दिए थे जी। तो ये लोग हैं यहाँ पर यही कह रहे हैं नाज़रीन के किशनगंज में सिर्फ़ और सिर्फ अख्तरुल ईमान आना चाहिए। 18 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी, 23 मई को नतीजा आएगा, पता चलेगा कि अख्तरुल ईमान किशनगंज के जनता की धड़कन साबित हुई यानी जीत पाए हैं या वो उनके फेवर में नतीजा नहीं आ पाया। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो लोग हैं किशनगंज की आवाम है एक तरफा होकर के एक दो के अलावा सबका यही मानना है कि किशनगंज से हम अख्तरुल ईमान को चाह रहे हैं, ये ना पार्टी को देख रहे हैं ना किसी और चीज़ को। इनका मानना है कि अख्तरुल ईमान नौजवान हैं, बोलने वाले हैं, फ़ाल रहते हैं, इससे पहले वो MLA रह चुके हैं तो उस दौरान भी उन्होंने काम किया, करप्शन उनमें नहीं है, तो ये लोग अख्तरुल ईमान को ही चाह रहे हैं। कुछ इलाकों से और हम रिपोर्ट पेश करेंगे, आवाम की राय आपको बताएँगे कि किशनगंज में क्या चल रहा है, यहाँ की जनता क्या चाहती है। मिल्लत टाइम्स के इलेक्शन 2019 की सीरीज़ में फ़िलहाल इतना ही, कुछ और लोगों की राय हम आप तक पहुंचाएंगे। मिल्लत टाइम्स का ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप मिल्लत टाइम्स का ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का कमेंट में इजहार कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप पेज को लाइक कीजिए और अपनी राय लिखिए कि आप किशनगंज के बारे में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, यहाँ की जो जनता ये लोग कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इनसे आप एग्री करते हैं या आप इनके खिलाफ हैं। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।